बीजेपी के दबाव में आ गई होंगी। और यह भी कहा कि नवीन जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। नवीन जिंदल ही नहीं, तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा बयान यहां पर देखने को मिला डॉक्टर चरण दास महंत की तरफ से, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। वे यहां पर कह रहे हैं नवीन जिंदल के लिए कि नवीन जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। बीते दिनों आपको बता दें कि नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए थे और जब वे शामिल हुए थे शाम तक उनके टिकट की भी घोषणा कर दी गई, उनको पार्टी ने टिकट भी दे दिया। और इस बीच डॉक्टर चरण दास महंत ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुनवा। जिस ढंग से आपने जिंदल को बेवकूफ बना के अपने पार्टी में संलग्न कर लिया है, शामिल कर लिया, बन सकते हैं। उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। सर बेवकूफ है कि लालची है? ऐसा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, वो ये कहते हुए नजर आए चरण दास महंत। ये क्या इनके इसके मायने निकाले जाएं? अब्दुल असलम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल, आखिर क्या वजह रही कि इतने कटु बोल? चरण दास महंत बड़े शांत नेता माने जाते हैं, लेकिन जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी जब ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत हैरानी होती है उनके मुंह से ये सुनकर, और कह रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसे आदमी को नहीं होना चाहिए। क्या मायने इसके? जी देखिए, जिस तरीके से चरणदास महंत ने जो बयान दिया है और अपना भड़ास एक प्रकार से निकाला है नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने पर होने के बाद इस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनको बेवकूफ कह दिया है। इसके अलावा अपनी पार्टी के लिए भी वो ये कहते हुए नजर आए कि हमारी कई सारी खामियां रही, चाहे वो सरकार में रहते हुए हो, मंत्रियों से हो, विधायकों से हो या कार्यकर्ताओं से हो, जिसकी वजह से हम हार गए। जी निश्चित तौर पर, जिस तरीके से उन्होंने आगे बयान में ये भी कहा कि पिछला जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी जो हारी है उसकी मुख्य वजह जो है वो जो आला नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक का उनकी जिम्मेदारी को बताया कि उनकी गलतियों के कारण ही आज हम सरकार में नहीं हैं। नवीन जिंदल की अगर बात की जाए तो किस बात को लेकर बात चली और इतने कटु बयान क्यों निकलकर सामने आए उनके? जी जब डॉक्टर चरणदास महंत से पूछा गया कि नवीन जिंदल कांग्रेस से में थे और उसके बाद भाजपा में वो शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका कहना यह था कि वो जिस तरीके से उनकी माँ पार्टी में गई है और उसी तरीके से ये भी उनके माँ के दबाव में आकर और इस तरीके का ये जो कांग्रेस में से बीजेपी में प्रवेश कर लिया। आपका इस जानकारी के लिए अब्दुल।